नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, राजस्थान के बिजली विभाग की हेल्पर 2 भर्ती के कट ऑफ मार्क्स यानी कि कितनी कट ऑफ गई है वो रिलीज कर दी है। ऑफिशियल जानकारी है दोस्तों, आप चाहें तो वेबसाइट्स के माध्यम से भी इसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की, तो देखिए दोस्तों टोटल पोस्ट 1414 हो गई थी MBC को मिलाकर की। आप देखिए टोटल कैंडिडेट्स डेढ़ गुना यहाँ पर पास किए गए, यानी 2122 कैंडिडेट यहाँ पर कुल पास किए गए हैं। UR की 679 पद हो गए थे, 1019 अभ्यर्थी बुलाए गए हैं। SC के 216 324 बुलाए गए हैं, ठीक है। ST के 162 243 अभ्यर्थी बुलाए गए हैं, और BC यानी बैकवर्ड क्लास OBC के 284 की जगह 426 बुलाए गए। MBC के 67 अभ्यर्थी थे, सीटें थी, और 101 अभ्यर्थी बुलाए गए हैं। अब देखिए JVNL से क्या कट ऑफ मार्क्स रहा है। जनरल की हम बात करें तो देखिए 83 नंबर जिनके थे उनका सिलेक्शन हो गया है, 10/4/92 तक की जन्मतिथि भी आ गई है। और अगर हम बात करें SC के तो जिनके 76 नंबर थे JVNL से उनका हो गया, 3/2/1991 जन्मतिथि थी जिनकी। इसके अलावा हम बात करें ST की तो ST का देखिए यहाँ पर दोस्तों कट ऑफ गया है 77, ठीक है, 77 नंबर जिनके थे उनका हो गया है। OBC की हम बात करें तो जिनके 82 थे उनका यहाँ पर नंबर आ गया है। MBC का कट ऑफ रहा है 80 नंबर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं सहरिया वगैरह का भी देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन का भी देख सकते हैं। वो आप एक्स सर्विसमैन की देखिए जो टोटल वैकेंसी 170 थी, 255 अभ्यर्थी बुलाए गए हैं और 54 नंबर इनका कट ऑफ गया है। स्पोर्ट्स पर्सन की हम बात करें तो देखिए स्पोर्ट्स पर्सन में दोस्तों आप देख सकते हो 27, ठीक है, तो 27 और की 41 और 75, ठीक है, इस तरीके से ये दिया गया है एक्स सर्विस स्पोर्ट्स पर्सन का 2% वैकेंसियों में, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दूसरी जो कट ऑफ मार्क्स है वो अजमेर की देख सकते हैं। अजमेर में टोटल 405 जनरल के थे, 609 बुलाए हैं, और 180 SC के थे, 270 82 यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स जनरल का गया है, ठीक है। अब देखिए 75 यहाँ पर SC का गया है, ठीक है, और उसके बाद 74 यहाँ पर गया है ST का। बैकवर्ड क्लास यानी OBC की बात करें तो 81, ठीक है, MBC की हम बात करें तो 77, ठीक है, तो ये कट ऑफ मार्क्स आपके गए हैं, ठीक है। और TSP एरिया का आप देख सकते हैं, TSP एरिया में जर्नल वगैरह का आप लोग देख सकते हैं 77 गया है, ठीक है। और SC का अगर TSP एरिया अजमेर से हैं तो यहाँ पर 74 गया है, और ST का हम देखें तो 67 गया है, ठीक है। और यहाँ से देखिए स्पोर्ट्स पर्सन एक्स सर्विसमैन का भी आप लोग देख सकते हैं 59 और 78, ठीक है। अब बात करें हम आपकी अगर जोधपुर की, तो जोधपुर में देख लिए टोटल वैकेंसी 351 थी, 528 कैंडिडेट बुलाए गए हैं, 171 यहाँ पर आपकी जो वैकेंसियाँ थी वो जनरल की थी, और 257 अभ्यर्थी बुलाए गए हैं, 53 SC की थी, 80 अभ्यर्थी बुलाए गए हैं, 40 ST की थी, 60 बुलाए गए हैं, ठीक है, और 70 की जगह यहाँ पर 105, और ये कट ऑफ मार्क्स देख सकते हैं आप, ठीक है। ये आगे आपका जर्नल SC ST OBC MBC, ठीक है, और ये आपका अगले कॉलम में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप लोग अजमेर का भी देख सकते हैं, ठीक है। अगली हम बात करें जोधपुर से, देखिए तो जोधपुर से जर्नल का कट ऑफ किया गया 84, SC की हम बात करें तो 76, ST का भी 76, OBC का 83, MBC का 78, ठीक है, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो शुरू के 5 कॉलम हैं जिनमें SC, ST, OBC और MBC का कट ऑफ है, ठीक है। अगर प्रसारण निगम लिमिटेड से देखें तो देखिए टोटल वैकेंसी 336 थी, 505 बुलाए गए हैं, 82 यहाँ पर जनरल की कट ऑफ रही है, SC का 77 रहा है, ST का भी 77 रहा है, और यहाँ पर देखिए OBC का 81, MBC का 78, ठीक है। ये हैं आप टोटल आप कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए हम इसको सॉर्ट कर लेते हैं। अब आप कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये कट ऑफ मार्क्स गया है। और डेट ऑफ बर्थ कुछ बच्चों के जैसे अगर नंबर 82 हैं और उनका डेट ऑफ बर्थ यानी कि 25/7/94 तक का, और जिनका जन्म 25/7/94 के बाद का है, भले ही उनके 82 नंबर हों तो उनको नहीं लिया गया, ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा ये ऑफिशियल कट ऑफ। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का ये PDF फाइल मिल जाएगी, इसे देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ बच्चे डेट ऑफ बर्थ से भी रहे हैं तो वो निराश ना हो, क्योंकि ऐसा नियम है कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होती है उनको पहले प्रायोरिटी दी जाती है, भले ही आपकी नंबर उनके बराबर हो। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ कम है
यानी कि आप छोटे हैं किसी से उम्र में तो आपको नहीं लिया जाएगा, जबकि बड़े अभ्यर्थियों को लिया जाता है। तो दोस्तों ये कट ऑफ रहा है, आप लोग चेक करें ज़रूर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद जय भारत।